asalaamu As alaikum students welcome back today we are going to start our new chapter the toy box on your book page number 51 so open your book and read along with me first of all we are going to read our words meaning words to know adjacent next to adjoining yani ke, mila melahua कोल्ड बंकर स्टोरेज एरिया फॉर कोल और अदर फ्यूल मतलब कोल्ड बंकर कौन सी जगह होती है जहाँ पर जो है वो हम अपना कोल स्टोर कर रहे होते हैं या फिर मजीद फ्यूल्स को स्टोर कर रहे होते हैं डैम प्रूफ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर मतलब नमी और ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट ऐसी जगह को डैम प्रूफ कर देना है? मतलब नमी से बचाने के लिए उसको कुछ इस तरह की डिटेलिंग दे देना इम्प्रेसिव रिमार्केबल मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफ़ेक्ट मतलब शानदार या फिर कन इंटॉलरेबल अनबेरेबल इम्पॉसिबल टू इंडियोर मतलब बरदार से बाहर होना कोई चीज़ मूडीनेस गिवन टू फ्रीकवेंट चेंजेस ऑफ मूड सल यानी कि किसी के मूड का चेंज होना प्रॉस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन अ विजन ऑफ द फ्यूचर मतलब कोई ख्वाहिश रखना या फिर कोई ड्रीम या किसी फ्यूचर के बारे में एक सोच रखना कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाए इसके एडी कैट समर हु इज़ ईजिली फ्राइटन एक शख्स जो कि बहुत आसानी से डर जाए शडर्ड शिवर्ड एज फ्रॉम फेयर यानी कि डर के घबरा के कब का पाना प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक इमेजेस कलरफुल एंड फ्रेश मतलब कुछ ऐसी इमेजिनेशन रखना जो कि रियल लाइफ हैसियत रखती हूँ वेल मैनिक्योर्ड नीटली ट्रिम्ड मतलब कोई ग्रास या कुछ इस तरह का किसी चीज़ का प्लांट्स का बहुत अच्छी तरीके से कटा हुआ होना नीटली साफ़ सुथरे तरीके से थ्री आयरन अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब मतलब गोल्फ क्लब मतलब गोल्फ एक गेम होता है जिसकी स्टिक होती है उसे खेला जाता है थ्री आयरन उस, उस स्टिक की एक टाइप है रीडिंग स्टार्ट करता है डोंट लुक said father as he eased the car into a lower gear. He and mother were sitting in the front, Matilda and I in the back. The tires made a pleasing crunch as they passed over the gravel. Father drove steadily, trying not to scatter the stones over the well-manicured lawn on either side of the narrow drive. But uh, family story. Father, mother, hai, Matilda just a the तो उसके जो फादर होते हैं वो बहुत आराम से जब गाड़ी चला रहे होते हैं और क्या कह रहे होते हैं डोंट लुक मतलब मत देखो ही एंड मदर वर सिटिंग इन द फ्रंट उसके अम्मा अब जो होते हैं वो गाड़ी के आगे मतलब गाड़ी में आगे बैठे होते हैं फ्रंट सीट्स पर और जो उसकी बहन मटिलडा और वो होते हैं वो पीछे बैठे हुए होते हैं द टायर्स मेड मेड अ प्लीजिंग क्रंच एज दे फास्ट ओवर द ग्रेवल जो उन लोगों की गाड़ी के टायर्स uh, होते हैं वो छोटे छोटे पत् ग्रेवल कहते हैं छोटे छोटे पत्थर उनके ऊपर से गुजरते हैं तो वे क्रंच की आवाज़ निकालते हैं ट्राइंग नॉट टू स्कर द स्टोन्स ओवर द वेल मेनिक्योर्ड लॉन द आउदर साइड ऑफ द ड्राइव फादर रो विस्टेडली मतलब जो तो उसके फादर होते हैं बहुत आहिस्ता आहस्ता धीमे चलाना शुरू करते थे ताकि जो उस, उस रास्ते के ऊपर जो पत्थर फड़े हुए हैं छोटे छोटे वो अगली तरफ मौजूद लॉन जो कि बहुत वेल मेनिक्योर्ड मतलब बहुत अच्छा कट कटिंग हुई हुई होती है उसकी उसके ऊपर ना बिखरे वो पत्थर जाके तो इसलिए वो अपनी जो गाड़ी होते हैं वो स्लो कर लेते हैं आई वॉन्ट यू बोथ टू शर्ट यूर एयर शड यूर आइज एंड ओनली ओपन दैम एन आई टेल यू सेट फादर उसके फादर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है वो अपनी आँखें बंद कर लो जब तक मैं ना बोलूँ मत खोलना ऑल्डो वी वर एक्साइटेड इट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सींग एंड यू हाउस वी डिड एज वी वर इंस्ट्रक्टेड मदर हैड टोल डज द वीक बिफोर दट सूटेबल एकोमोडेशन है we would be moving in today वो कह रहा है कि वैसे तो हम बहुत ज़्यादा अपने अपने उस नए घर को देखने के लिए एक्साइटेड थे लेकिन हमारे फादर ने जैसे हमें कहा था कि आँखें बंद कर लो तो हमने वैसे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया उनकी जो मदर होती हैं वो उन्हें एक हफ्ते पहले ही बता चुकी बता चुकी होती हैं कि उनको जो है वो रहने के लिए एक मुनासिब सा घर मिल चुका है और वो जो है वो आज जो जा रहे हैं वो उसी घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं फादर हेड है सेट ए लेटर जो फादर होते हैं उन्होंने बहुत कम बताया हुआ होता है यू विल सी वैन वी गेट देयर ही सेड इन आंसर टू आर क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन मटिल उसने उस बच्चे ने किए थे उसके आंसर्स में उसके फादर ने यही बोला था कि जब हम जाएंगे जब तुम लोग जाओगे तो उसको देख सकते मतलब तब ही देख लेना द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्स एवरी वेयर देन सडनली आर मैजिकल प्ले ग्राउंड हैड बीन विज्ड वे एंड वी वर् लेफ्ट विद अ फ्यू सूट केसेस मतलब उनके घर में शिफ्टिंग होने वाली थी तो पैकर्स आते थे और उन्होंने एक हफ्ते पहले से पैकर्स आ रहे थे वो बिजी थे पैकिंग करने के अंदर तो उन बच्चों को बहुत मजा आता था हर तरफ बॉक्सेस होते थे, थे उनके घर में तो उन, उनका एक मैजिकल प्ले बन चुका था लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो सब जो है वो गायब हो गया और उनके घर में सिर्फ चंद सूट रह चुके थे द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटिल अर्ली इयर वेर इंप्रेसिव एंड द गार्डन्स मैग्नीफिशेंट स्प्रिंग ब्लॉसम्स फॉर एवरीवेयर बर्ड्स ट्विटर इन द ट्रीज़ एंड बीज बर्ड अबाउट द फ्लावर्स बट नाउ एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल विद दर आइस शेड द सस्सपेंस बिकम इनटॉलरेबल वो 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 अब क्या कह रहे हैं कि अब वो वापस जो है उस बच्चा रास्ते के ऊपर आ गया है कि जब वो लोग एक क्या होता है गाड़ी चलते चलते एक बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल होती है और क्या होता है दरवाजे जो होते हैं और वहाँ का जो व्यू होता है बहुत शानदार होता है और बहुत मुतासर कौन होता है कैसे होता है कि जो वहाँ पर जो फूल होते हैं वो बहुत खिले हुए होते हैं परिंदों के चहचाने की आवाज़ें आ रही होती हैं दरख्तों पर से और जो वहाँ पे फूल होते हैं उनके ऊपर जो है वो बीज जो है वो बिजबिजबिज़ की उनकी आवाज़ आ रही होती है लेकिन अब उनकी आंखें बंद होती हैं जैसे उनके फ़ादर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी होती है तो जो वो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर जब उनकी गाड़ी गुजर रही होती है तो एक क्रंचिंग की आवाज़ आ रही होती है और उनकी आँखें बंद होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड होते हैं और उनसे जो जो सस्पेंस होता है मतलब जो एक्साइटमेंट होती है वो बर्दाश्त से बाहर होने लगती है यू कैन ओपन योर आई आई इज़ अनाउंसड फादर एट लास्ट एज द कार ग्राउंड टू अ हॉल्ट जैसे ही गाड़ी रुकती है तो उनके फादर उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप तुम लोग जो है वो अपनी आँखें खोल सकते हो वाओ ब्यूटिफुल सेड मटिलडा एज वी लुक् एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही हम लोग अपने घर की तरफ पहली दफ़ा देखते हैं, तो हो तो मटिलडा बोलती है वाओ बहुत खूबसूरत वाओ स्केरी सैड आई जो बच्चा होता है वो क्या कहते हैं वाओ स्केरी लेकिन ये तो मतलब उसको डर लग रहा होता है वो अपने वो अपने कॉमेंट जब इस तरह के दे रहा होता है कि उसको डर लग रहा है मतलब काफ़ी खौफनाक सा मंजर है या घर है द रैमलिंग मैंशन दैट स्टूड बिफोर अस सीम टू टावर इन टू द स्काई इट वॉज इमिंज इट वॉज ओल्ड एंड टू मी इट सीम स्मूकी जो कह रहा है कि जो मैंशन था जो उन लोगों का कोठी या घर था वो काफ़ी भूल भुलैया है रैमलिंग मतलब भूल भुलैया टाइप घर था जो जिसके सामने वो लोग खड़े हुए थे और टावर इन द स्काई मतलब वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ऊँचा बहुत बड़ा घर था लेकिन उसके लिए जो बच्चा था उसके लिए क्या था वो बहुत पुराना सा और एक आसेफ ज्यादा सा घर लग रहा था उसको क्यों अभी आगे बढ़ते हैं दिर इज़ नथिंग इज़ कैरी अबाउट इट यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हेयर सेट फादर दर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर आई हैवन सीन द होल ऑफ़ इट माई सेल्फ उसके फादर जब ये बात सुनते हैं कि उसको डर लग रहा है तो वो कहते हैं कि इसके बारे मतलब इस घर के बारे में कोई डरने वाली बात है नहीं यूँ तो तुम तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा और वो बताते हैं कि बहुत बड़ा है अभी तक मैंने भी इसको पूरा नहीं देखा और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी Father, mother, mother and Matilda went straight into the house, but I, a little less enthusiastic, followed in my own time. I caught up with the others in the spacious living room. वो कह रहा है कि उसके जो father, mother और बहन Matilda थे वो जो है वो जल्दी से जो है वो अंदर चले गए घर के लेकिन वो जो था उसको इतना ज़्यादा shock नहीं हो रहा था उस time क्योंकि वो उसको डर लग रहा था घर को देखते के साथ तो वो जो है वो आराम से एक वक्त

she led the way along a dark corridor and we followed the playroom was indeed large but it seemed cold and damp उसके बाद क्या होता है उसकी अम्मा जो होती हैं वो बढ़ती हैं डार्क अंधेरे वाले कॉरिडोर की तरफ और पीछे पीछे मटल और वो भी उस उनके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं जब वो पहुंचते हैं तो प्ले रूम जो होता है वो बहुत बड़ा तो होता है लेकिन उसके अंदर बहुत ठंड भी होती है और वो नमी वाला भी हो रहा होता है वी विल हैव इट वॉर्नड अप इन नो टाइम टॉम फादर एश्योर्ड मी नोटिसिंग दैट आई हैड शर्डर्ड he went on to explain because no one has lived here for some time the heating has been turned off there is plenty to discover and you will have fun finding out where all the rooms are जैसे कि जब वो टॉम मतलब नाम पता चल गया टॉम होता है इस बच्चे उस बच्चे का जब टॉम उस कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको वो बहुत ठंडा लग रहा होता है तो उसके अब्बा क्या कहते हैं उसको इस बात की निशानदेही करा देते हैं कि हम मुझे पता है कि जो है वो बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ये यहाँ पर बहुत अरसे से कोई नहीं रह रहा था तो उसका जो हीटिंग सिस्टम है वो बहुत दिनों से बंद है तो वो कहते हैं उसको कि मैं इसको जो है वो बहुत जल्द अज जल्द है वो इसको वार्म अप करवा दूँगा यानी इसका हीटिंग सिस्टम ऑन करवा दूंगा तुम उस चीज़ की परेशानी मत कर, तुम उस चीज़ से परेशान ना हो क्योंकि वो कप कपा रहा होता है हालांकि वो ठंड से नहीं वो डर से कब कपा रहा होता है क्योंकि वो उसको वो घर जाए स्कीस स्पूकी सा लग रहा होता है आसेफ ज्यादा लग रहा होता है उसके बाद उसके फादर उसको एक्साइटेड करने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ जो तुम डिस्कवर करोगे और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा हर हर कमरे को देखने में पूरा घर देखते हैं मजीद An hour later, when we had been through the house from top to bottom, up staircases and down others, and in and out of umpteen rooms, we returned to the playroom. Our large toy box had been placed against the far wall of the room, and Matilda went straight to it to unpack some toys. She took out what she needed and then, answering a call from mother upstairs, ran.

कमरे हैं बहुत बड़े बड़े बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन उस सबको जो है वो उसको जो है वो सबको स्पूकी सा लग रहा होता है जब वो वापस जब प्ले रूम के अंदर आता है वॉर मटल्टा तो क्या होता है उन लोगों का जो एक दीवार के साइड पर जो है वो एक बहुत बड़ा सा उन लोगों का टॉय बॉक्स होता है जिसके अंदर उन लोगों के बहुत सारे खिलौने होते हैं वो वो वहाँ पर रखा हुआ होता है तो मटिल्डा जो उसकी बहन होती है वो प्ले रूम के अंदर एंटर होती है उस टॉय बॉक्स की तरफ जाती है और अपने कुछ टॉयज़ को बाहर निकाल देती है जो जो तो उसको नील होती है वो उन सबको निकाल लेती है उसके बाद क्या होता है उसकी मदर जो होती है उसको ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ दे रही होती है तो मटल्डा वो सुनने के लिए चली जाती है कि उसकी मदर उसको क्यों बुला रही होती हैं जब वो चली जाती है तो टॉम जो होता है वो अकेला कमरे के अंदर मौजूद होता है प्ले रूम के अंदर तो खामोशी होती है लेकिन क्या होता है पहली दफ़ा उसको उस टॉय बॉक्स जो उसका टॉय बॉक्स होता है उसके अंदर से उसको जो है ना एक मतलब एक हल्की सी जो है ना कमज़ोर सी रोने की आवाज़ आती है और एक किसी के कराने की यानी कोई गुस्से में या परेशान है उसकी उसकी उस आह की आवाज़ आती है उसको ऐसा लग रहा उसको ऐसा लग रहा होता है कि आवाज़ जो है वो बॉक्स के अंदर से आ रही होती है लेकिन वो कहता है कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसके अंदर से आवाज़ आ सके रोने की या कुछ इस तरह की पर कैट हैज एंटर्ड द रूम आई थॉट टू माई सेल्फ और इट्स माई इमेजिनेशन वो अपने अपने ख्याल में ही सोच रहा होता है कि हो सकता है कोई बिल्ली कमरे के अंदर आई हो या फिर वो अपने आप को कन्विंस करने के लिए कह रहा होता है कि या फिर ये मेरी अपनी ख्याल हैं ऐसा कुछ है ही नहीं आई पुल्ड द कपल ऑफ टॉयस फ्राम द बॉक्स बट वेन आई हर्ड द क्राई अगेन I screamed, dropped the toy toy truck I had been holding and fled. I found एंड and mother upstairs in my bedroom. अब क्या होता है उस वो क्या कहता है कुछ अपने टॉय बॉक्स के अंदर से अपने कुछ खिलौने बाहर निकालता है लेकिन जब उसको रोने की दोबारा आवाज़ आती है तो वो डर के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपना जो टॉय ट्रक होता है जो एक ट्रक अपने खिलौना हाथ में पकड़ा हुआ होता है वो फेंक देता है और जब वो भागना शुरू करता है और भाग के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जहाँ पर उसकी मदर और बहन मौजूद होते हैं bedroom My suitcase and a couple of boxes containing clothes, more toys and books were lying on the floor beside the bed. Mother was unpacking a smaller case on the bed. I began to help her put away some of my clothes in a large cupboard that was standing against one wall. I paused by a window to look at the garden outside. It was bright and warm and everything looked green and fresh. I wanted to be out there, not in this dark house with its cold, echoing rooms and strange clouds strange sounds. अब क्या होता है जब ऊपर कमरे में पहुँचता है तो उसका जो सूट के और बहुत सारे बॉक्सेज होते हैं जिसके अंदर उसके कपड़े खिलौने बुक्स वगैरह होते हैं वो फ्लोर पर पड़ा हुआ होता है बेड के बिल्कुल साथ में उसकी अम्मा जो होती हैं वो एक बेड के ऊपर एक स्मॉलर एक छोटा सा सूटकेस रखा हुआ होता है बेड के ऊपर वो उसको खाली कर रही होती हैं उसके बाद वो भी क्या करता है टॉम जो होता है वो भी अपनी अम्मा की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है और अपने कपड़े निकाल निकाल के कबड के अंदर रखने शुरू कर देता है जो कि एक वॉल के साथ बड़ी सी कबड़ रखी हुई होती है उसके बाद क्या होता है उसके कमरे के अंदर विंडो भी होती है वो विंडो से जब बाहर देखता है वहीं पर रुक जाता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो गार्डन होता है गार्डन उसको बहुत अच्छा वॉर्न सा बहुत रोशन सा लग रहा होता है और ग्रीनरी फ्रेश भी होता है बहुत तरोताज़ा सा माहौल हुआ हुआ होता है तो उसका दिल चाहता है कि वो बाहर चले जाए ना कि इस घर के अंदर रहे जो कि बहुत ठंड है जहाँ पर और वहाँ पे अजीब अजीब सी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और बहुत अंधेरा भी है उस घर के अंदर यू आर वेरी क्वाइट टॉम सेट मदर इज़ समथिंग द मैटर उसकी मदर जी जब चीज़ ही जब नोटिस करती हैं कि बहुत खामोश है तो कहती हैं तुम तो बहुत खामोश से हो टॉम कुछ मसला है कोई बात है आई डोंट लाइक इट हेयर आई मटेड वॉइसा से बोलता है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा वाई एव नॉट नाट मदर कमिंग ओवर टू जॉइन मी बाय द विंडो भी विंडो के पास कराते हैं तो उसकी मदर भी उसके पास आते हुए कहती हैं विंडो के पास कि क्यों ऐसा क्यों है इट्स कोल्ड एंड स्पूकी आई रिपाई आई रिप्लाईट एंड आई डोंट लाइक द नॉइजेज इट मेक्स वो कहता है कि घर जो है वो बहुत ठंडा और बहुत आसेफ ज्यादा सा लगता है ड्राउनी सा लगता है और मैं यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद जो आवाज़ें आ रही होती हैं मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती नॉइजेज़ आस्ट मदर एस्टॉनिश्ड वट नॉइजेज वो बहुत हैरानों की पूछती हैं आवाज़ें कौन सी आवाजें आई हर्ड सम कमिंग फ्रॉम टॉय बॉक्स वो कहता है कि मैंने जो है वो कुछ आवाज़ें अपनी टॉय बॉक्स के अंदर से आती हुई सुनी है किसी के कराने की गुस्से में या चिड़चिड़ाहट में बोलने की डोंट बी सिली सेड मदर कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन डोंट बी सच बीर्ड कैट विल कम टू टू एंड आई गेट इफ यू इंसिस्ट वो कहती है तुम ऐसे पागल मत बनो और चलो आओ मेरे साथ नीचे चलो तुम कैसे खौफजदा जो है वो होने लगते हो अचानक से तो उस फिर वो कहती हैं कि हमारे साथ जब वो वो में नीचे जाएगी और अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे फादर को ही बुला लेती हूँ वी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड एंटर द प्ले रूम वी एंड लिसन वी हर्ड नथिंग वो कह रहा है कि हम तीनों जब वो नीचे उतरे हम उस कमरे के अंदर गए प्ले रूम के अंदर और वहाँ पर हम रुक के हम सुनने लगे लेकिन हमें कोई आवाज़ नहीं आई दी साउंड यू हर्ड मस्ट हैव कम फ्राम आउटसाइड सेट मदर उसकी अम्मा कहती हैं कि तुमने जो आवाज़ सुनी थी वो यकीन जो है वो बाहर से आ रही होंगी अ गर्गलिंग पाइप पर है वो कहती हैं हो सकता है किसी पानी के अंदर मतलब एक पाइप के अंदर से पानी बह रहा हो तो उसकी आवाज़ आ रही हो तो उसकी मदर मतलब उसको क्या कहती है कि हो सकता है कि किसी पाइप के अंदर से पानी की आवाज़ आ रही हो या कुछ इस तरह का नो आई सेट विद सम फोर्स एज आई बैग आउट ऑफ द रूम इट वॉज अ क्राई अमोन आई एम श्योर वो क्या कर जो टॉम होता है वो कमरे से बाहर निकलते हुए चीखता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था वो कोई रोने की आवाज़ थी और वो किसी के कराहे की, की आवाज़ थी मुझे पक्का पक, पता है

क्योंकि वो तो बहुत दूर था सेटल होने क्योंकि उसको हमेशा जब भी वो उस कमरे के अंदर जाता था और उस ट्रॉय बॉक्स के पास पहुंचता था तो क्या होता था प्ले रूम के अंदर कि उसको वही रोने की आवाजें आती थी और जब वो चीज चिल्ला के सबको बुलाता था रोते हुए तो सब आज जब तक सब आके सुनते थे तो कोई आवाज ही नहीं होती थी वहाँ पर बाई दी एंड ऑफ द वीक एवरी वन वॉज मोस्ट एनॉइड विद मी दे केम रनिंग टू द रूम वन एवर आई स्क्रीम्ड माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी एंड एज्यूम्ड आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन माई सिस्टर ब्लेम मी फॉर the मूडनेस ऑफ my पेरेंट्स एंड said that वी might लूज द यूज़ ऑफ the रूम फॉर माई इंटरटेनमेंट इफ़ आई कैप दिस अब उसके बाद उस जब बहुत दिन गुजर गया और उसी हफ्ते के आखिर तक क्या हुआ कि हर कोई जो था उससे बहुत परेशान आ गया और कोई उसके बाद गुस्सा न करने लगा क्योंकि वह हमेशा सीखना शुरू करता था उसके बाद सब उसके कमरे जो प्ले रूम था उसके अंदर भागते हुए आते थे तो उसके पेरेंट्स को इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं आता था कि उन लोगों को आज सुनाई नहीं देती थी तो उन लोगों को ऐसा लगा उसके पेरेंट्स को कि वो जो है ना अटेंशन लेने के लिए जब वो अपने पेरेंट्स की ये सब कुछ स्टोरी खुद से क्रिएट करता है उसकी जो बहन होती है उसकी जाहिर बात है उसके अम्मा का मूड खराब रहने लगता है मिजाज में थोड़ी सी तलखियाँ आने लगती है तो फिर क्या होता है उसकी बहन क्या कहती है कि सारा ब्लेम जो है ना उसके ऊपर डालती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है उसके बाद वो उसको कहती है अगर तुम इसी तरह से करते रहना तो हमारे लिए जो प्ले रूम है इंटरटेनमेंट का हम इससे भी खो देंगे One morning, determined not to scream, I plucked up the courage to enter the room. Enter the playroom. I had avoided it for three days, but now my mind was made up. I would get to the bottom of the mystery and not scream. The curtains in the room were drawn, so it was dark and musty in there. As I entered the room, I felt a draft of air. The windows were firmly shut, so was the front door. एक दिन क्या होता है एक दिन सुबह वो जो है ना बहुत ज़्यादा अहद करके उठता है बहुत ज़्यादा हिम्मत जमा करके उठता है और कहता है कि आज मैं प्ले रूम के अंदर जाऊंगा लेकिन उस आवाज़ उस आवाज़ के आने पर चलाऊँगा नहीं अब वो तीन काफ़ी वो तीन चार दिनों से इस चीज़ की कोशिश कर रहा होता है अपना दिमाग बना रहा होता है कि वो बगैर डरे जो है वो आज कमरे में जाएगा और फाइंड आउट करेगा कि वहाँ पर असल में है क्या तो क्या होता है जब वो कमरे के अंदर घुसता है तो जो पर्दे वगैरह होते हैं कमरे के बिल्कुल गिरे हुए होते हैं जिसकी वजह से पूरे कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा होता है और एक अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है पुरानी पुरानी सी ना तो क्या होता है जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है ना तो एक बहुत ज़्यादा जो है ना हवा का झोंका आता है लेकिन वो हैरान होता है कि कहाँ से आ रहा है क्योंकि जो खिड़कियाँ होती हैं वो भी कम्प्लीटली पैक बंद होती हैं मजबूती से और जो दरवाज़ा होता है फ्रंट डोर वो भी बंद होता है Wondering, Wondering where the draft was coming from, I drew I drew open the curtains. Sunlight flooded into the room, but it still felt chilly. The light, however, had given me some courage. I approached the toy box quietly and cautiously. As I drew near, I felt the breeze again, and then I stopped in my वो जो है वो परेशान और होता है कि जो है वो हवा के झोंके कहा से आ रहे हैं फिर उसके बाद वो क्या करता है वो कर्टन को खोल देता है फिर जो है ना जब वो कर्टन खोलता है तो ऐसी बात है बाहर से सनलाइट होती है उसके कमरे के अंदर आ जाती है लेकिन फिर भी जो है वह उसका कमरा बहुत ठंडा हो रहा होता है जो प्ले रूम होता है उसके बाद क्या होता है जब रोशनी हो जाती है कमरे के अंदर तो उसके अंदर थोड़ा सा और हौसला आ जाता है फिर वो जो है वह टॉय बॉक्स की तरफ जाता है बहुत ध्यान से और राइता खामोशी से जैसे ही वो करीब जाता है उसको फिर से वो आहट महसूस होती है और फिर जो है वो वो वहाँ पे रुक जाता है जब वो वहाँ पे रुकता है तो वही कराने की आवाज़ शुरू हो जाती है बॉक्स के अंदर से आना उसके बाद जो है वो वो बहुत हिम्मत करता है रो रोता भी नहीं है और अपनी हेल्ड माई ब्रेथ मतलब वो अपनी सांस तक रोक के जो है ना बिल्कुल attentive और कॉशियसली खड़ा हुआ होता है उसके बाद क्या होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू करता है और जल्दी से बाहर जाता है अपनी अम्मा को ढूंढने के लिए I found my mother and Matilda baking a cake in the kitchen वो देखता है कि उसकी अम्मी और उसकी बहन Matilda जो है वो किचन के अंदर केक बेक कर रही होती है हरी कम विद मी आई अर्ज बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड वो उन दोनों को कहता है जल्दी जल्दी मेरे साथ आए लेकिन दोनों ने एक भी आवाज़ नहीं निकाल है Looking puzzled, they followed me to the playroom. With my finger over my lips, I tiptoed across the floor towards the box. They followed closely and silently. As we approached the box, there was a cry and then some mumbling. An adult voice saying something. A further cry followed finally by my scream, which I had controlled till then, but now could hold back no longer. We stood there for a moment, breathing softly, listening intently, but heard nothing more. वो बहुत परेशान वो दोनों जो बहुत है बहुत परेशान होती हैं लेकिन फिर भी उसको फॉलो करती हैं प्ले रूम तक उसके पीछे पीछे जाती हैं जो टॉम होता है वो अपने जो है फिंगर ऑन ओवर माई लिप्स मतलब वो अपने होठों पर उंगली रख के और टिप टोड मतलब अपने उंगलियों पंजों के बल जो है वो फ्लोर पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बॉक्स की तरफ पहुँचता है प्ले रूम में वो भी उसके पीछे पीछे दोनों करीब करीब उसके साथ साथ खामोशी से चलती हुई जाती हैं जैसे ही वो लोग बॉक्स के पास पहुंचते हैं तीनों तो क्या होता है वही रोने की आवाज़ और फिर ममलिंग यानी कि किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ और वो आवाज़ किसी बड़े की होती है वो आवाज़ आती है वो कुछ कहता है फिर किसी के रोने की आवाज़ आती है फिर उसके बाद क्या होता है कि एंड के अंदर जो टॉम होता है वो चीखना शुरू कर देता है कि उसने बहुत देर से कंट्रोल किया हुआ होता है लेकिन अब उससे और अब ज़्यादा वो होल्ड बैक नहीं कर सकता था मतलब उसको डर इतना ज़्यादा लग रहा था तो वो बहुत ज़ोर से चीखता है फिर उसके बाद वो लोग बहुत देर तक रुआ पर रुकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के सांस ले रहे होते हैं बहुत गौर से सुन रहे होते हैं लेकिन उसके बाद उन लोगों को कोई आवाज़ नहीं आती फादर एंटर्ड द रूम एट अ गलॉब वट्स गोइंग ऑन हेयर ही आस्ड एब्रप्टली वॉट हैज़ हैप उसके फादर जो है वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं पूछ होते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है अचानक से पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बाद वट हैज़ हैप यानी बोलते बोलते पूछ रहे होते हैं यहाँ क्या हो रहा है तो वो बीच में रुक जाता है ही पॉज इन मिड फ्लो नोटिसिंग आर स्टैंडिंग इन साइलेंस मदर इंडिकेटेड विद वन फिगर टू हर लिप्स फ्रॉम हिम टू बी क्वाइट उसके बाद क्या होता है जैसे वो बोल रहे होते हैं वॉट हैज़ है मतलब बोल ही रहे होते हैं तो उनकी जो मदर होती हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सब जो है वो खामोशी से जहाँ पे खड़े हैं तो वो भी नोटिस करते हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है उसके बाद जो उसकी मदर होती हैं वो उसके फादर को इशारा करती हैं अपनी फिंगर से कि जो है वो चुप हो जाए वो भी वी लेव द रूम एंड इन एन ऑर्डरली फैशन टू द लिविंग रूम वियर मदर एक्सप्लेन हैड हैपन उसके बाद क्या होता है वो लोग जब उसके फादर भी आ जाते हैं उनको चुप तो करा देते हैं लेकिन उसके बाद वो चारों जो है वो आहिस्ा आिस्ता कमरे से बाहर निकल जाते हैं लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं फिर हाँ वहाँ पर जो है वो टॉम की मदर उसके फादर को पूरी कहानी बताती हैं जो जो वहाँ पर हुआ होता है वेल वेल यू वेट हेयर सेट फादर वैन ही हैड वैन ही हर्ड द स्टोरी आई वेल इन्वेस्टिगेट वो कहते हैं उसके फादर पूरी कहानी सुन के कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर वेट करो मैं जाता हूँ इन्वेस्टिगेट करता हूँ मतलब खोज लगाता हूँ कि हुआ क्या है Father marched out of the room purposefully. After a moment, we heard the box being dragged over the wooden floorboards in the playroom. After a while, Father joined us again. वो कहता है कि उसके फादर जाए बहुत purposefully यानी इसे attention से कि वो investigate करके आएंगे उस कमरे के अंदर से जाते उसके बाद वो प्ले रूम में पहुँच जाते लेविंग रूम से निकल के कुछ देर बाद क्या होता है उन लोगों को आवाज़ आती है कि उन्होंने जो वही जो टॉय बॉक्स था उसको ड्रैक करके प्ले रूम के अंदर एक वुडन फ्लोर एक लकड़ी का बना हुआ एक फ्लोर होता है उस तक घसीट के लेके जाते हैं फ्लोर बोर्ड तक प्ले रूम के अंदर उस टॉय बॉक्स को उसके बाद कुछ देर बाद जो उसके फादर होते हैं वो वापस जाए लिविंग रूम में इन लोगों के पास आ जाते हैं कम विद मी ही सेड गोइंग टू वर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल आई थिंक इट्स हाई टाइम वी हैव अ गुड लक गुड लुक एट द ओल्ड स्टोर रूम्स एंड कोल बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस आई फाउंड एन एयर वेंट इन द वॉल हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स वी विल फाइंड आउट वेर इट गोज एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब वो कहते हैं मेरे साथ आओ उन तीनों को कहते हैं उसके फादर के आओ चलो मेरे साथ आओ उसके बाद वो क्या करते हैं उन लोगों को लेके अपने गोल्फ बैग जहाँ पे वो हॉल के अंदर गोल्फ खेलते हैं उस जगह उन लोगों को लेके जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है कि हम जो है वो अपने पुराने रूम स्टोर रूम के ऊपर और जो हमारा कोल बंकर है रूम जहाँ पे उन लोग की स्टोर होता है हर किसी का घर का एक स्टोर रूम वो उनका हॉल की साइड पर होता है और जो उनका कोल बंकर यानी कि जहाँ पे वो लोग कोल वगैरह स्टोर करते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़ वो एक साइड पर होते हैं उनके हाउस के वो कहते हैं कि आओ चलो एक नज़र उसकी तरफ भी देख लेते हैं बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे देखने का क्योंकि क्या होता है जो टॉय बॉक्स उनकी वॉल के पास रखा हुआ होता है जिस वॉल के ऊपर टॉय बॉक्स रखा होता है प्ले रूम के अंदर उसके अंदर से एक एयर वेंट यानी कि एक एयर का एक पैसेज मतलब एक खिड़की या कुछ इस तरह का बना हुआ होता है तो वो कहते हैं हम चल के आके देखते हैं कि एयर वेंट किस तरफ खुल रहा है उसके बाद वो कहते हैं कि मैं एहतियात के तौर पर अपने साथ गोल्फ क्लब यानी अपनी गोल्फ़ की स्टिक भी साथ में लेके चल रहा हूँ Father selected a three iron and led the way, swinging it in the air. We crunched over the gravel, passed through a narrow gap in the thick hedge surrounding the side garden and approached the part of the house adjacent to the playroom. There were hundreds of broken tiles, old doors and window frames, a rusting bicycle and other unwanted and broken pieces of furniture piled against the wall and scattered over that part of the garden. Now what is father a type of golf club, a three iron, a golf stick. उसको हवा में ऐसे लहराते हुए ये लोग भी उनके पीछे पीछे जो है वो जा रहे होते हैं एक पतली सी एक गली होती है उससे गार्डन की साइड के ऊपर वहाँ से जा रहे होते हैं और वहाँ जाके के पहुँचते हैं जो जो वॉल जो है वो जो रूम जो होता है जो जगह जो होती है वो प्ले रूम के बिल्कुल एडजस्टेंड होती है वहाँ पर जो है बहुत सारे टूटे हुए टाइल्स पड़े हुए होते हैं पुराने दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम एक जंग आलू सी साइकिल पड़ी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सी ऐसी मतलब फजूल फजूल मतलब यूज़लेस सी फर्नीचर पीसेस पड़े होते हैं वॉल के साथ खड़े हुए जिनका कोई काम भी नहीं होता वो गार्डन के ऊपर गार्डन के एक पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं वील हैव टू गेट ऑल दिस रबिश रिमूव सेट फादर पिकिंग हिज वे थ्रू द डेब्रिज वो क्या जब वो सब की कचरा वचरा देख रहे होते तो फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ जो है वो कचरा हटा देना चाहिए फेंकवा देना चाहिए ऑल दिस मस्ट हैव बीन है आउट ऑफ द हाउस वेन इट वॉज रेनोवेटेड वॉट एम एस वो कहते हैं कि जब हमारा हाउस रेनोवेट हो रहा था जब सब कुछ सेट वेट हो रहा था तो अभी जो है वो सारा कचरा जो है वो फेंक देना चाहिए था मतलब क्लियर कर देना चाहिए पूरे घर को वी कुड सी टू विंडोज लो डाउन ऑन द वॉल एंड सम स्टेप्स लेरिंग डाउन टू वॉट लुक लाइक अ सेलर डोर द पैर डोर वॉज क्लियर सो इट वॉज दैट समन हैड यूज द डोर वे क्वाइट रिसेंटली वो क्या बता रहा है मजीद कि जब वो लोग उधर पहुँचते हैं जब वो एडजस्ट जो एक प्लेस होती है प्ले रूम के जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर जो है वो दो खिड़कियाँ होती हैं और उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ जाके थोड़ा सा उसका एक दरवाज़ा बना हुआ होता है कुछ स्टेप्स नीचे उतर के जिस तरह वो कैसा कैसा लग रहा होता है लाइक अ सेलर डोर मतलब किसी जेल का दरवाज़ा जैसा होता है उस तरह का लग रहा होता है सोच वो कहता है कि जो रास्ता जा रहा होता है उस दरवाजे के लिए स्टेप्स होते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर होते हैं और जिससे पता चल रहा होता है कि कोई जो शख्स है वो उसको उस, उस दरवाजे को यूज़ कर चुका है बहुत मतलब आज के दिनों में फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर मदर मदर मेटलडा एंड आई स्टोड एट द टॉप वनिंग वॉट ही वुड डू फादर रेब्ड ऑन द डोर विद हिज गोल्फ क्लब एंड कॉल्ड आउट हेलो इज़ एनी बी रेयर उसके जो फादर होते हैं वो से नीचे उतर के उस फ्यू स्टेप से दरवाजे की तरफ जाते हैं उसकी मदर मेटल डोर वो खुद जो है वो वहीं ऊपर खड़े रहते हैं वे हैरान हैरानी से देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या हो गए उसके फादर क्या करेंगे उसके जो, जो फादर होते हैं वो दरवाजे के ऊपर उस गोल्फ स्टिक से जो है वो खटखटाते हैं और पूछते हैं हेलो कोई है यहाँ पर देर वॉज़ नो आंसर ही रेटल द डस्टी डोर नॉब एंड स्ट्रक द डोर अगेन विद हिस क्लब देन ही रिटर्न द नॉब एंड द डोर क्रैगड ओपन

जब कोई आंसर नहीं आता दोबारा से तो फिर वो क्या करते हैं नॉब को ओपन करके जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उस दरवाज़े के खुलने से जो है वो सनलाइट जो है वो विंडोज से और उस कमरे की वो और दरवाज़े से जो है वो अंदर पड़ती हैं उस रूम के अंदर तो जो है वो किसी के आहिस्ता मूवमेंट की आवाज़ आती है उसके जो फादर होते हैं वो उस उस टाइम तक अपनी वो स्टिक रेस किए हुए हवा में बाहरी खड़े रहते हैं उसके बाद जब ये जब दरवाज़ा खुल जाता है सब कुछ रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है तो फिर जो है वो किसी एक औरत की रो रोती हुई आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म सॉफ़ द वमेन जो जो औरत होती है जो है वो उसके फ़ादर से बोलती है कि नहीं सर प्लीज़ हम मतलब मैं वो बताना चाहती है कि हम लोग जो है वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते बहुत दुखी अंदाज में बोल रही होती है हु आर यू एंड वॉट आर यू डूइंग हेयर्स डिमांडेड फादर उसके फादर पूछते हैं कि तुम हो कौन कॉनर तुम यहाँ क्या कर रही हो वी हैव नो वेयर टू लिव सर एक्सप्लेन द वोमन वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस एंड मूव इन फॉर शेल्टर वी हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम सम वीक्स नाउ वो कहती है कि हमारे पास कोई घर रह, कोई सर हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए तो फिर जो है वो हमें बाई चांस जो है जगह मिल गई तो हम कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पर अपनी रिहाइश के लिए जो है वो शिफ्ट हुए हैं हु इज़ विद यू आज फादर उसके फादर पूछ रहे तुम ऐसा और कौन है माई लिटिल चाइल्ड क्राइ द वुमेन टर्निंग टू लुक टुवर्ड्स अ कॉट विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहैंड हर शी इज़ नॉट वेल सर बिकॉज ऑफ द डैम शी क्राइज अलॉट एंड माई हजबैंड जैक हैज़ गॉन टू द विलेज टू फैच हर सम मेरिसन वो कहती है मेरे साथ मेरी एक छोटी बेटी होती है छोटी बेटी रहती है और उसकी तरफ वो देखना शुरू कर देती है कॉर्ट में जो लेटी हुई होती है कॉर्ट जो है वो उसका एक वॉल के साथ जो है वो खड़ा रखा हुआ होता है कहती है कि उसकी जो बेटी है उसकी तबीयत सही नहीं है बहुत दिनों से क्योंकि नमी की वजह से तो उसके जो हस्बैंड है जिसका नाम जैक है वो उसके लिए गांव से जो है वो मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ है वेल द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग ऑफ द मॉर्निंग टू आई बॉक्स इज फाइनली बीन सॉल्व आई थॉट टू माई सेल्फ एज वी लुकिंग सैडली एट द स्टोल दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई वेवेड इमेजिनेशन नाउ ये सब कुछ सुनने के बाद जो है वो टॉम ये बात बोलता है कि अब जो मेरी एक मिस्ट्री थी कि उस टॉय बॉक्स अंदर से जो है वह कराने की और रोने की आवाज़ें आ रही हैं वो मिस्ट्री जो है वो अब सॉल्व हो गई है जब वो लोग बेचारी उस औरत के बारे में सुन रहे होते हैं बहुत अफसोस से और उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो फिर वो कहता है कि अब जो है वो मेरे पेरेंट्स जो है वो और सब लोग जो है वो उसकी इस इमेजिनेशन से विवर्ड इमेजिनेशन यानी जो एक सच्ची मतलब वाज तौर पर जो एक असल में चीज़ थी उसके बारे में जो है वो कंप्लेन करना छोड़ देंगे मदर टू चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीजिएटली वन मंथ लेटर द चाइल्ड वॉज गर्डलिंग विद लाफ्टर ऑन द सन ही लॉन आउटसाइड द हाउस जिसकी जो मदर होती हैं वो जो है वो सिचुएशन को पूरा हैंडल करने के लिए फ़ौरन से जब अपना चार्ट संभाल लेती है उसके बाद एक महीने बाद का वो बता रहा है कि जो बच्ची होती है अब जो कॉट के अंदर लेटी होती है बहुत बीमार होती है कुछ जब समर का सीज़न आता है एक महीने बाद तो वो जो है वो उस गार्डन के अंदर बहुत खुशी खुशी खेल रही होती है The woman Frances was employed to help in the house. Her husband Jack was given the job of gardener and handyman. The coal bunker and storerooms were cleaned, damp-proofed and painted. The rubbish from the side of the house was removed and shrubs were planted. Everything worked out well for all of us. The spooky house became a warm and comforting home. अब वो कह रहा है जो वोमेन होती है जो उन लोगों को उस जगह पे मिली होती है उस कमरे के अंदर उसका नाम होता है फ्रेंसिस उसको जो है वो वो लोग घर के कामों के लिए जो है वो रख लेते हैं उसके बाद जो है उसका हस्बैंड होता है जब वो जैक वापस आ चुका होता है मेडिसिन वगैरह लेके तो उसको उसको जो है वो लोग गार्डनर की जॉब दे देते दे हैं और उसको जो है वो एक हैंडीमैन की सूरत पर रख लेते हैं जो घर के ऊपर ऊपरी ऊपरी काम कर रहा होता है उसके बाद जो कोल बंकर स्टोर रूम होता है जो कि बहुत मेजडअब होता है सब बहुत गंदगी हो रही होती है वो सब जगह सफाई हो जाती है और वो डैम प्रूफ करा लिया जाता है पेंट वगैरह सब कुछ जाता है फिर जो कचरा वगैरह होता है वो सब भी घर से निकाल दिया जाता है उसकी जगह जो है वो श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ वगैरह जो है वो प्लांट कर दी जाती हैं हर चीज़ अब बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग के अंदर आ जाती है और जो स्पूकी हाउस टॉम को लग रहा होता है वो अब उसके लिए एक बहुत कंफर्टिंग और बहुत अच्छा हाउस हो जाता है तो जी ये थी हमारी टोटल स्टोरी हमारे चैप्टर द टॉय बॉक्स की अब इसकी वर्ड्स मीनिंग और सिंह ने की तरफ चलते हैं तो जी सबसे पहले आपने द जॉय बॉक्स का अपनी कॉपी के अंदर टाइटल पेज बनाना है उसके बाद आप वर्ड्स मीनिंग वर्चल एमेंटोनीम्स को कॉपी डाउन करेंगे वर्ड्स मीनिंग ईज रफ्तार हल्की करना ग्रेवल छोटे छोटे पत्थर स्टेडली तरतीब से स्कैटर फैलना अकोमोडेशन मुनासिब रहाइश इंप्रेसिव मुतासरकन विजटवे अचानक से गायब हो जाना ट्विटर चहचहाना इमें ज़्यादा बड़ा रैम्बलिंग भूल भूलैया मैंशन कोठी प्लेंटी डू ढूंढना घूमना स्पूकी आसेब ज्यादा एंथीजियास्टिक शॉक होना चलते हैं वर्ड्स इन्होंने मेंटोनियम की तरफ मटर्ड व्हिस्पर्ड स्पीक आउट गर्डलिंग मर्मर साइलेंस स्क्रीम शाउट लो करेज एंड्योरेंस टिमिडिटी फर्मली स्ट्रांग वीकली कॉशियसली अवेयरनेस इन कॉशन हैस्टन मेक फास्टर क्रॉल इमेजिनेशन फैंसी डलनेस तो यहां तक का काम आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच